नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वाटर टेस्टिंग लैब के लिए 1000 पदों पर होगी बहाली। अगले महीने सीएम करेंगे 5 स्टेट हाईवे का उद्घाटन। राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद नहीं मिला सर्टिफिकेट। ब्रांडेड दवा लिखने वाले डॉक्टर पर पीएमसीएच प्रशासन करेगा कार्रवाई। देश भर में कोरोना मामले में आई बहुत बड़ी कमी। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। कल से पटना के 2 सेंटरों पर 24 घंटे लोगों को दिए जाएंगे वैक्सीन। पटना में टीकाकरण की रफ्तार को कम होता देख सरकार ने अब नई पहल की है। इसके तहत अब पटना के 2 सेंटरों में कल मंगलवार से 24 घंटे दिन और रात वैक्सीन लगाए जाएंगे। इसके तहत पटना स्थित पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और होटल पाटलिपुत्रा अशोका में 24 घंटे टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि दोनों सेंटरों पर 3 पालियों में पर्याप्त संख्या में वैक्सीनेशन टीम की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसमें डॉक्टर, एएनएम, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि शामिल है। डीएम ने बताया कि आपकी उम्र यदि 18 से 44 वर्ष है और आप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच अगर टीका लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन माध्यम से स्लॉट की बुकिंग करानी होगी, और अगर आप शाम 5 बजे के बाद और सुबह 9 बजे से पहले टीका लेना चाहते हैं तो उसके लिए केंद्र पर पहुंचकर ऑन स्पॉट निबंधन कराने के बाद टीका ले सकेंगे। इसके अलावा 45 प्लस वाले लोग केंद्र पर पहुंचकर ऑन द स्पॉट निबंधन कराकर टीका ले सकते हैं। जून के पहले हफ्ते में ही सताने लगी गर्मी। सूबे में मई महीने में प्री मानसून की बारिश ने लोगों को काफी राहत दी थी, लेकिन जून के पहले हफ्ते में ही बड़े तापमान से लोग बेहाल हो रहे हैं। लगभग सभी जिलों में धूप की तपिश और उमस ने दिन और रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि कर दी है। वातावरण में नमी की मात्रा ज्यादा है, इसलिए सूर्य की गर्म किरणें भी और भी ज्यादा प्रभावी हो गई है। मौसम वैज्ञानिक इसे हीट इंडेक्स बता रहे हैं, जिसमें नमी की वजह से तापमान से 2 से 3 डिग्री अधिक तापमान का एहसास कराता है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो 15 जून तक मानसून बिहार में दस्तक देगा, उससे पहले राहत नहीं मिलने वाली है। बीते दिन पटना का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, गया का 37.7, भागलपुर का 38.6 और पूर्णिया का 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि पटना मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक अगले 48 घंटे बाद 8 जून की शाम और 9 जून को सूबे में कुछ जगह बारिश हो सकती है। 64वीं बीपीएससी परीक्षा में बिहार के होनहारों ने दिया अपनी लगन का परिचय। बिहार लोक सेवा आयोग ने 64वीं प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें कुल 1454 छात्रों का चयन किया गया है। बीपीएससी की इस भर्ती परीक्षा के लिए 4,71,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। वहीं इस परीक्षा में टॉप पर आए छात्रों ने अपने संघर्ष के कारण गर्वपूर्ण काम किया है। राज्यभर में तीसरा स्थान पाने वाले मधुबनी के अनुराग आनंद ने अपनी सफलता का श्रेय 100% सेल्फ स्टडी और यूट्यूब को दिया है। उन्होंने कहा कि YouTube पर उन्हें जो भी स्टडी मटेरियल मिली उससे एक बेहतर प्लानिंग के साथ उन्होंने तैयारी कर आज इस मुकाम को पाया है। वहीं पटना के कंकड़बाग के रहने वाले अजीत कुमार ने अपने दूसरे प्रयास में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। उनके पिता पेशे से एक ऑटो ड्राइवर हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अजीत कुमार ने 5 साल तक UAE में नौकरी भी की, लेकिन सिविल सर्विस बनने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ वापस अपनी पढ़ाई जारी की और अब वे अधिकारी बनकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं। गृह विभाग ने CCA एक्ट की कार्रवाई को प्रभावी ढंग से करने का दिया निर्देश। गृह विभाग ने सभी जिलों के DM को CCA एक्ट पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। इसे लेकर गृह विभाग के सचिव ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि CCA एक्ट या फिर अन्य कार्रवाई से पहले अपराध को चिन्हित कर नोटिस सरकार को देनी होगी। इसकी सूचना 24 घंटे के अंदर सरकार को देनी होगी। थाना स्तर से मिले प्रस्तावों के आधार पर SP DM को कार्रवाई का प्रस्ताव देंगे। इसके साथ ही अपराधी के ऊपर 2 वर्षों के अंदर दर्ज कांडों को ही कार्रवाई के लिए आधार बना सकते हैं। आम सेक्ट के दर्ज कांड को आधार नहीं बनाया जा सकता है। अगर अपराधी पहले से जेल में बंद है तो इस तथ्य का भी उल्लेख करना होगा। बताते चले कि CCA एक्ट के तहत तरीपार पर कार्रवाई की जाती है। लॉकडाउन में बड़े प्रतिष्ठानों के बंद होने के बावजूद रिकॉर्ड खपत हो रही है बिजली। सूबे में लॉकडाउन जारी है। इस दौरान राज्यभर के मॉल, बिजनेस सेंटर, मल्टीप्लेक्स इत्यादि सभी बंद है। इनके खुले रहने पर बिजली की खपत ज्यादा होती थी, मगर इसके उलट इनके बंद रहने के बावजूद भी बिजली खपत अपना रिकॉर्ड बना रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिन पहले यानी कि 4 जून को बिजली की खपत 6115 मेगावाट दर्ज की गई थी। वहीं कल रविवार यानी कि 6 जून को शाम 7 बजे खपत 5100 मेगावाट तक पहुंच चुकी थी और 8 बजे तक तो 5800 मेगावाट, जबकि यह पीक आवर नहीं था। दिलचस्प तो यह है कि फिलहाल सभी बाजार और दुकानें भी दोपहर 2 बजे तक ही खुल रहती है, यानी शाम में बिजली खपत का जो पीक होता है वो भी नहीं है। फिर भी बिजली की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं बिजली कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि मांग के उच्च स्तर को लेकर उनकी पूरी तैयारी है, लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वाटर टेस्टिंग लैब के लिए 1000 पदों पर होगी बहाली। राज्यभर में मुख्यमंत्री नल जल योजना एवं अन्य जलापूर्ति योजनाओं
का काम तेजी से जारी है। इसके तहत लोगों को टैप से शुद्ध जल का नल पहुंचाया जा रहा है। ताकि लोगों को पानी से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। ऐसे में इन योजना की निगरानी के लिए PHED ने 1000 पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली करने का फैसला लिया है। इसके तहत ये कर्मी जिला स्तरीय वाटर लैब व 75 अवर प्रमंडलीय वाटर लैब में वाटर टेस्टिंग करेंगे। वहीं गाँव में भी 9 मोबाइल जांच प्रयोगशाला में आउटसोर्सिंग पर बहाल लोगों को रखा जाएगा। इसके तहत अकाउंटेंट असिस्टेंट के 52, ऑफिस असिस्टेंट के 2, केमिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाटर टेस्टिंग लैब के 38, असिस्टेंट केमिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाटर टेस्टिंग लैब के 76, लैब असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट वाटर टेस्टिंग लैब के 76, केमिस्ट सब डिविजनल वाटर टेस्टिंग लैब के 122, लैब असिस्टेंट सब डिविजनल वाटर टेस्टिंग लैब के लिए 122, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 107, सैंपल टेकर के लिए 160 व मल्टी टेस्टिंग स्टाफ के 160 सहित अन्य पदों पर बहाली होगी। ब्रांडेड दवा लिखने वाले डॉक्टर पर PMCH प्रशासन करेगा कार्रवाई। पटना के सबसे बड़े अस्पताल PMCH में अब डॉक्टर द्वारा मरीजों को ब्रांडेड दवाइयां नहीं लिखी जाएगी, जिसे महंगी कीमतों से मरीजों को बाहर से खरीदना पड़े। डॉक्टर अब सबसे पहले अस्पताल में मिलने वाले मुफ्त दवा के बारे में ये लिखेंगे। अगर अस्पताल में वह मुफ्त दवा उपलब्ध नहीं रहेगी तब वे जेनेरिक दवाइयां ही मरीजों को लिखेंगे। इस आदेश को जारी करते हुए PMCH प्रशासन ने सभी डॉक्टरों को सख्त हिदायत भी दी है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस क्रम में PMCH अधीक्षक ने सभी विभागाध्यक्ष सहित सीनियर व जूनियर डॉक्टरों को पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिया है। दरअसल अस्पताल प्रशासन की पहली प्राथमिकता है कि वो जरूरी दवाइयां मुफ्त में मरीजों को उपलब्ध कराए, और वो दवा अगर मौजूद नहीं होती है तो PMCH में ही जेनेरिक दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिसे मरीज ब्रांडेड दवाओं से कई गुना सस्ती कीमतों पर खरीद सकते हैं। राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद नहीं मिला सर्टिफिकेट। राज्यभर में वैक्सीनेशन का काम जारी है, लेकिन अब तक करीब 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लेने का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 1,08,43,687 लोग ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन का डोज तो ले लिया है, लेकिन उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिल सका है। जबकि स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद लोगों को टीकाकरण प्रमाण पत्र देती है। ऐसे में कई लोग इस बात को लेकर परेशान है कि उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है तो वो दूसरा डोज किस तरह से लेंगे। इसे लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ने नया प्रारूप जारी किया है, जिसके तहत अब नए सिरे से पुनः टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अब दूसरी खुराक लेने के समय लोगों को घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा। इसमें वो जानकारी भी देनी होगी कि उसने पहली खुराक में कौन सा वैक्सीन लिया है। दूसरी खुराक लेने के लिए उसकी तारीख के साथ ही हस्ताक्षर या अंगूठा लगाना होगा। इसके लिए सभी जिलों के DM, CS व मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक वगैरह को इसे लेकर निर्देशित किया गया है। अगले महीने CM करेंगे 5 स्टेट हाईवेज का उद्घाटन। अगले महीने राज्य में 5 स्टेट हाईवेज को लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। इसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार SH 58, 82, 84, 85 और SH 102 का अगले महीने उद्घाटन करेंगे। इनमें से 4 सड़क परियोजनाओं का काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि SH 85 का काम अंतिम चरण में है, जो कि इस महीने पूरा हो जाएगा। बता दें कि साल 2018 से ही इनका निर्माण बिहार स्टेट रोड विकास निगम के माध्यम से हो रहा है। इसके साथ ही करीब आधा दर्जन सड़क परियोजना का काम भी इस साल के अंत तक पूरा होने की संभावना है। इससे राज्य में बेहतर आवागमन की सुविधा विकसित होगी। SH 58 के बनने से मधेपुरा और भागलपुर के बीच सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होगी। वहीं SH 82 कादिरखंज खैरान सड़क का निर्माण से नवादा व जमुई के बीच बेहतर सड़क कनेक्टिविटी विकसित होगी। वहीं SH 84 और SH 85 दोनों सड़कों के निर्माण से बिहार और झारखंड के बीच आवागमन की बेहतर सुविधा विकसित होगी। वहीं SH 102 का निर्माण होने से पटना भोजपुर के बीच सड़क संपर्क में लाभ मिलने वाला है। कई जिलों से गुजरने वाली 26 ट्रेनें हुई रद्द। उत्तर रेलवे के सरहिंद स्टेशन पर नॉन इंटरलॉक का काम चलने को लेकर पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली 2 दर्जन से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। इसे लेकर सोनपुर, समस्तीपुर समेत अन्य मंडलों को सूचना दे दी गई है। इसके तहत बिहार में 24 जून को गाड़ी संख्या 05097 भागलपुर जम्मू तवी, 29 जून को गाड़ी संख्या 05098 जम्मू तवी भागलपुर स्पेशल, 24, 26 व 28 जून को गाड़ी संख्या 05211 दरभंगा अमृतसर स्पेशल, 26, 28 व 30 जून को गाड़ी संख्या 05212 अमृतसर दरभंगा, 26 जून को गाड़ी संख्या 05251 दरभंगा जालंधर व 27 जून को गाड़ी संख्या 05252 जालंधर सिटी दरभंगा को रद्द कर दिया गया है।
उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मांझी को बताया गार्जियन के जैसा। हाल के दिनों में बिहार एनडीए के अहम हिस्सा और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय दिख रहे हैं। कभी नीतीश सरकार के फैसलों का समर्थन करते हुए वे नजर आते हैं, तो कभी उनके फैसले को नाकाफी बताते हुए अपनी अलग मांग सरकार के सामने रख देते हैं। हाल ही में उन्होंने मुफ्त में लड़कियों को उच्च शिक्षा मुहैया कराने की मांग की थी। वहीं विपक्ष भी मांझी को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में अपनी एक दिवसीय यात्रा पर आज कटिहार पहुंचे बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद मांझी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए में मांझी एक अभिभावक की भूमिका में है और उनके सुझावों पर अक्सर अमल किया जाता है, इसलिए उनको लेकर कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। मीसा और रोहिणी के बाद अब लालू परिवार की एक और बेटी ने ट्विटर पर थामा मोर्चा। तीनों लालू प्रसाद यादव अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास दिल्ली में अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, लेकिन जमानत मिलने के बाद से ही पूरा का पूरा लालू परिवार ट्विटर पर बिहार की राजनीति में सक्रियता दिखा रहा है। हाल ही में रोहिणी यादव ने जमकर अपने भाई और पिता के समर्थन में विदेश से ही बिहार की राजनीति में सत्ता पक्ष को घेरती नजर आ रही है, तो वहीं अब लालू राबड़ी की एक और बेटी राजलक्ष्मी ने भी ट्विटर पर अपना मोर्चा संभाल लिया है। बता दें कि राजलक्ष्मी यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के घर की बहू है। अब उन्होंने मां राबड़ी देवी का बचाव करते हुए ट्विटर पर सुशील मोदी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि सृजन चोर @सुशील मोदी, शर्म करो। दरअसल वे सुशील मोदी के उस ट्वीट का जवाब दे रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि घरेलू महिला राबड़ी देवी को सीधे मुख्यमंत्री बनाकर क्या लालू यादव संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को दुरुस्त करने की क्रांति कर रहे थे। राजलक्ष्मी यादव ने घरेलू महिला शब्द पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उनकी मां राबड़ी देवी ने बिहार में 7 सालों तक राजकाज चलाया और उन्हें गर्व है कि वे बिहार की पहली और अब तक की इकलौती महिला मुख्यमंत्री रही हैं। सीएम नीतीश के चहेते पूर्व विधायक ने टुन्ना पांडे को दी माफी मांगने की नसीहत। भाजपा से विधायक टुन्ना पांडे के नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहने के बाद से ही राज्य में सियासी गहमागहमी बन गई है। इस बीच अब सीएम नीतीश के चहेते पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने टुन्ना पांडे को नसीहत दे डाली है। श्याम बहादुर सिंह ने कहा है कि टुन्ना पांडे ने जो टिप्पणी की है वह अमर्यादित है, यह कोई संस्कारी व्यक्ति नहीं कर सकता है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पांडे जी को पुराने धंधे में चले जाने चाहिए क्योंकि राजनीति में उनका अस्तित्व अब नहीं बचा है। राशिद खान के लिए कोहली धोनी को आउट करना है सबसे बड़ी कामयाबी। अफगानिस्तान टीम के लिए खेलने वाले और आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद टीम के लेग स्पिनर राशिद खान अपनी शानदार गेंदबाजी की बदौलत विपक्षी टीम के बल्लेबाजों के दिलों में खौफ पैदा कर देते हैं। वहीं हाल ही में राशिद खान ने अपने दिल की बात को शेयर किया है। उन्होंने क्रिकविक के साथ बातचीत में कहा कि ईमानदारी से कहूं तो कई सारे यादगार विकेट मैंने लिए हैं, लेकिन अगर आप मुझे T20 में मेरे 3 सबसे बेस्ट विकेट्स के बारे में पूछेंगे तो वो MS धोनी, विराट कोहली और AB डिविलियर्स होंगे। मैंने तीनों को बोल्ड किया है, लेकिन ऐसे लेजेंड को बोल्ड करना मैं कहूंगा ये एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि इन तीनों को बोल्ड करना एक स्पिनर के तौर पर मुश्किल है। देश भर में कोरोना मामलों में आई बहुत बड़ी कमी। देश भर में कोरोना की रफ्तार अब कम हो रही है और 2 महीने के बाद सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,636 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान 2,427 मरीजों की जान चली गई। इस दौरान 1,74,399 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कुल एक्टिव केस 14,01,609 हो गई है। वहीं अगर बात हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते 24 घंटे में 920 नए कोरोना आए हैं। इस दौरान 1,799 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 8,707 हो चुकी है। वही अच्छी खबर यह है कि बिहार में मामले कम आ रहे हैं और रिकवरी रेट बढ़े हैं, जो कि बढ़कर 98.02% हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार सरकार द्वारा वैक्सीन की हर सुविधा देने के बावजूद भी टीका लेने वाले लोगों की संख्या में कमी क्यों देखने को मिल रही है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।